तो फ्रेंड्स, लौकी के पराठे बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे चाहिए धनिया, बहुत सारा लहसुन जिसको मैंने बारीक कूट कर लिया है, 4-5 प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून जितनी अजवाइन, तो लाल मिर्च पाउडर लिया है हम लोगों ने 2 टेबलस्पून, नमक लिया है हम लोगों ने 1 टेबलस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला लिया है हम लोगों ने 1 टेबलस्पून। और उसी के साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, तो ये गेहूं का आटा 2 कप जितना है, अगर खाने वाली कटोरी से देखें तो ये 4 कटोरी जितना आएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लौकी ली है जिसको कि हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी की बची हुई लौकी का हम लोग हलवा बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसका डंडा काट कर लेंगे और उसको साइड में रख देंगे, और जो इसके ऊपर के छिलके हैं उसको हम लोग पहले निकालेंगे, क्योंकि अगर ये छिलके पराठे में चले गए तो वो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है और वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हो उसको मैंने निकाल लिया है और अभी हम लोग इसको बारीक खींच कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से बारीक खींच कर लिया है, और इसके अंदर का जो ये बचा हुआ भाग है उसको भी हम लोग साइड में रख देंगे, और इसको अभी हम लोग एक कटोरी में या फिर कप में निकाल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 से 4 प्याज का इस्तेमाल किया है, प्याज की टेस्ट पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर लहसुन। फ्रेंड्स, अगर आपको लहसुन अच्छा नहीं लगता तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। लहसुन डालने के बाद में हम लोग डालेंगे इसके अंदर बहुत सारा धनिया, और अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर जीरा और अजवाइन। मैंने इसको साबुत ही यूज़ किया है, आप चाहो तो इसको बारीक कूट कर भी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर मसाले जो हम लोगों ने निकाल के रखे थे। फ्रेंड्स, आप लोग मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अभी जो मसाले है उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और मसाले डालने के बाद में हम लोग इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर लौकी यानी कि कद्दू, और कद्दू डालने के बाद में हम लोग इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, आपको अगर इसका सख्त आटा लगाना है तो आप सख्त आटा भी लगा सकते हो, पर सख्त आटा लगाने से क्या होता है, जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं और वो उसकी टेस्ट भी इतनी अच्छी नहीं आती है खाने में। तो इसीलिए हम लोग आज इसका सख्त सा आटा नहीं लगाएंगे, हम इसको एकदम सॉफ्ट बनाएंगे, थोड़ा पतला ही हम लोगों को इस आटे को रखना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम लोग इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी डालने के बाद में मिक्स कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी भी ये आटा थोड़ा सा सख्त है, तो अभी हम लोग इसके अंदर और पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और उसका आटा लगा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारा आटा है वो रेडी है, और ये बहुत पतला भी है। हम लोग इसको साइड में रखेंगे, और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक रुमाल लिया है जिसको कि हम लोग फोल्ड कर लेंगे। हमें इसको दोनों बाजुओं को फोल्ड करना है और इसकी एक छोटी सी घड़ी बनानी है इस तरह से, और हम लोग इसी तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं हो तो आप लोग चकली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने एक कटोरी के अंदर पानी लिया है जिसके अंदर हमें इस रुमाल को भिगोना है, और इसको भिगोने के बाद में इसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम लोगों को निकालना है, और अभी हम लोग उसको साइड में रख देंगे और इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गैस के ऊपर पैन रखेंगे गर्म होने के लिए, और जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है तब तक हम लोग हमारा पराठा रेडी करेंगे।
तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है या फिर ऑयल लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आज पानी का ही इस्तेमाल किया है। और आटे की एक छोटी सी दोई बना कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पराठे थोड़े से बड़े साइज़ में बनाने हो तो आप थोड़ी बड़ी दोई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको हाथ के अंदर रोल करेंगे और एक हाथ से थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे। तो अभी ये रेडी है। तो अभी हम लोग रुमाल के ऊपर एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके ऊपर इसको रख देंगे। पानी हम लोगों ने इसलिए डाला है ताकि जो हमारा आटा है वो रुमाल के ऊपर ना चिपके। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेस कर कर इसकी एक रोटी बना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसको हाथ से ही प्रेस करना है इस तरीके से। अगर ये आटा आपके हाथ को लग रहा हो तो आप हाथ के ऊपर और थोड़ा सा पानी लगा कर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये जो पराठा है अभी हम लोगों ने उसको रेडी कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा पतला भी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसको तवे के ऊपर। तो हमें क्या करना है, जो ये रुमाल है उसके दो साइड पकड़ने हैं और इसको इसी तरह से उठाना है ऊपर। तो अभी जो हमारा पैन है या फिर तवा है वो भी गर्म हो चुका है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो पराठा डालने के बाद में हम लोगों को इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से पराठे को निकालना है। तो ये जो पराठा है ये रुमाल को बहुत जल्दी छोड़ देता है क्योंकि हम लोगों ने रुमाल के ऊपर पानी लगाया था। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से सेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सिक चुका है। तो अभी हम लोग इसको पलटेंगे और अभी हम लोग इसको नीचे की साइड से भी सेकेंगे और उसके जो साइड्स हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। और अभी हम लोग एक चम्मच से इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि जो ऑयल है वो सारी बाजुओं में लग जाए। फ्रेंड्स, जब ये दूसरी तरफ से सिक जाए तब हम लोग इसको पलट कर लेंगे और हमें इसको पलट पलट कर ही सेकना है। अगर हम लोगों ने इसको एक ही जगह पर रहने दिया तो वो अच्छी तरह से सिकेगा नहीं, पर वो जल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो भी हमारा पराठा है उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोग इसी तरह से इसको सेक कर लेंगे और अभी ये पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग इसको निकाल कर लेंगे और उसी तरह से हम लोग जो दूसरा पराठा है उसको भी रेडी कर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें हर बार जो रुमाल है उसको साफ कर कर लेना है, मतलब उसको पानी के अंदर पूरा भिगो के उसके अंदर का पानी निचोड़ कर ही लेना है, वरना हमारे जो पराठा है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग किस तरह से इसको बना रहे हैं। तो हमें बस इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको भी सेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पराठे बनाना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस उसको डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए और हम लोगों को जो रुमाल है उसको भी जल्दी उठाना है, वरना जो रुमाल है वो तवे के ऊपर जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग इसको भी सेक कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने इसको पलट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये भी रेडी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा पतला है। ये बिल्कुल भी मोटा नहीं है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।